आपका क्वेश्चन है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ऑफ अ राइट ट्रायंगल टू द अपोजिट वर्टेक्स इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल मेक अ राइट ट्रायंगल, हाइपोटेनस उसी के अंदर होता है, तो एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे हम ना। तो दिस इज योर 90 डिग्रीज, तो ये आपने क्या किया, एक राइट ट्रायंगल बना दिया। ठीक है ना। नेम इट, आपका दिस इज योर ए, दिस इज योर बी एंड दिस पॉइंट इज योर सी। ठीक है ना। तो अब आपका इसने क्या कहा है, देखो, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस, तो दिस इज योर मिड पॉइंट, दिस पॉइंट इज योर डी। ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया इसमें। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है आपको, प्रूव करना है आपको बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, ए सी का हाफ है बी डी। ठीक है। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, जस्ट वी विल गो फॉर अ नॉर्मल थिंग। क्या है आपका, देखो, डी इज द मिड पॉइंट, है ना, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, डी इज द मिड पॉइंट, तो आपका क्या हो गया, ए डी इज इक्वल टू डी सी, ए डी इज इक्वल टू डी सी हो गया। यस। नाउ अब आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक अ सर्कल। ठीक है। एक सर्कल बनाएंगे आप बाय कीपिंग बी टू डी एज अ मेजरमेंट। ठीक है। तो वो देखो आपका सर्कल कैसे बनेगा। ठीक है। तो यहां पर रखे आप बनाएंगे, तो दैट सर्कल विल कम एज अ डायमीटर, ये आपका डायमीटर हो जाएगा, है ना, डी में रख के हम सर्कल बना रहे हैं, तो ये अब एसी आपका डायमीटर हो गया। और अगर आप इस साइड में बनाएंगे तो इट विल कम एंड टच योर बी लाइक दिस। ठीक है। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट सर्कल बना दिया। नाउ यू कैन सी डी इज द सेंटर, D इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ना। एंड डी बी क्या है आपका, इट इज द रेडियस, एंड डी सी इज ऑल्सो रेडियस, एंड डी ए इज ऑल्सो अ रेडियस, तीनों रेडियस हो गए आपके। यस। तो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। दैट मीन्स आपका क्या हो गया, बी डी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, है ना, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस। नाउ तो नाउ वी कैन से दैट एज सी डी इज हाफ ऑफ ए सी, सी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। तो सी डी की जगह पे जस्ट रिप्लेस बी डी, तो आपका क्या आ गया, देखो, बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, हैंस प्रूफ्ड, है ना, यही प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिया। ठीक है।